नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं किरण सागर एक बार फिर से आप सभी के सामने प्रस्तुत हो चुकी हूं आपके अपने प्यारे चैनल रोजगार विद अंकित पर। आपके अपने परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग बच्चे जल्दी से जुड़ जाएंगे, क्लास हो चुकी है स्टार्ट। ये द वोकैब शो है, इसमें हम बेसिकली नॉन ग्रामर पार्ट यानी कि वोकैबुलरी को पढ़ रहे होते हैं। टारगेट कर रहे हैं हम लोग CGL के एग्जाम को, CHSL के एग्जाम को और उसके पैरेलल के बाकी सारे एग्जाम्स को जो SSC कंडक्ट कराते हैं, यानी कि SSC का MTS या फिर स्टेनोग्राफर एग्जाम के लिए भी या फिर CPU के लिए भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस क्लास को देख सकते हैं। सभी को बहुत 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 सारी शुभकामनाएं कि एक और दिन ईश्वर ने हमें दिखाया। चलिए भाई, क्लास करेंगे जल्दी से स्टार्ट। पहले कर लेते हैं कल की क्लास का रिवीजन, क्विक रिवीजन, और क्विक रिवीजन के बाद हम करेंगे नए नए वर्ड्स आज की क्लास के, है ना, नए नए वर्ड्स आज की क्लास के। चलिए, तो लास्ट क्लास का पहला शब्द था अबैटर। अबैटर का मतलब होता है भाई, क्या होता है अबैटर का मतलब होता है कसाई घर। क्या होता है? कसाई घर, है ना, स्लॉटर हाउस, कसाई घर, ठीक है, कसाई घर, स्लॉटर हाउस, स्लॉटर हाउस, स्लॉटर हाउस, ठीक है भाई, कसाई घर, स्लॉटर हाउस। इसका यहां से एक और मीनिंग निकलता है कि कसाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्लॉटर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एपियरी। एपियरी का मतलब होता है जहां पर मधुमक्खी रखी जाती है। अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, राइट। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड था भाई आपका एरेना। एरेना एक ऐसा प्लेस होता है ना, प्ले ग्राउंड फॉर रेसलिंग, राइट। ये क्या है? एक ऐसी जगह है जहां पर क्या होती है? रेसलिंग होती है। अ प्ले ग्राउंड फॉर रेसलिंग, जहां पर रेसलिंग होती है, रेसलिंग के लिए जो स्थान होता है उसे हम क्या कहते हैं? एरेना कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे आर्सेनल, जहां पर एमिनिशन रखी जाती है, जहां पर बारूद संभाल कर रखा जाता है, एमिनिशन रखी जाती है, एमिनिशन रखने की जगह, ठीक है भाई, एमिनिशन रखी जाती है जहां पर, उसे हम क्या कहते हैं? आर्सेनल कहते हैं। असाइलम का मतलब होता है जहां पर आप लोगों को रखते हो। क्या रखते हो? लोगों को रखते हो। तो आप कह सकते हो अ प्लेस फॉर रेफ्यूजीज, यहां पर रेफ्यूजीज रह सकते हैं, और मेंटली सिक, है ना, या फिर आप कह सकते हो इनसेन, है ना, इनसेन्स, जो दिमागी रूप से पीड़ित है, इनसेन्स को भी आप यहां पर रख सकते हो। इसे हम क्या कहते हैं? असाइलम कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड था एवियरी। किससे रिलेट करता है? बर्ड से, बर्ड्स रखने की जगह, ठीक है, जहां पर बर्ड्स रखे जाते हैं। किससे रिलेट करेगा? बर्ड से रिलेट करेगा। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। नेक्स्ट वर्ड है ब्रो। भाई ये क्या है? बिल का काम करता है, और ये बिल जनरली किसका मिलता है आपको? चूहे का बिल मिल सकता है, रैट का, है ना, हो सकता है कि रैबिट का बिल हो, चूहे का बिल हो सकता है, सांप का बिल भी हो सकता है ना, जिसका घर, जनरली हम रैबिट से ही इसे रिलेट कर रहे होते हैं, तो ये बिल किसका होगा? रैबिट का। तो रैबिट का छोटा सा होल, रैबिट का होल, ठीक है, रैबिट का जो होल है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी के घर को हम ब्रो कहते हैं। अगला वर्ड कैशे या कैश का मतलब क्या होता है भाई? जहां पर हम अपने आर्म्स और जितने भी आपके क्या है और कुछ और तरह की जो चीजें होंगी, है ना, आर्म्स हो गई, और क्या हो जाएगा भाई? राउंड्स हो सकती हैं, है ना, जिसमें हम क्या रख रहे हैं? अपने गन्स और वेपन्स रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? गन्स और वेपन्स रख रहे हैं संभाल कर। ये सब रखने की जगह को हम क्या कहते हैं? कैशे कहते हैं, क्योंकि जनरली ये कैसी होती है? कॉन्फिडेंशियल होती है, इसीलिए इस वर्ड को हम यूज करते हैं अपने फोन में भी। ये हिडन मेमोरी की तरह काम करती है। चलिए अगला वर्ड है कैरेविन, या फिर आप इसे कारवा कह सकते हैं। ये क्या है भाई? अ हाउस, कहां पर? ऑन अ जिप्सी या फिर एन अ जिप्सी आप कह सकते हैं। अ कार हो सकता है, अ बस हो सकता है, अ जिप्सी हो सकता है। तो गाड़ी पर अगर घर होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कारवा, या फिर हिंदी में काफिला। चलिए अगला शब्द देखेंगे कसीनो। भाई कसीनो क्या होता है? गैम्बलिंग टेबल होती है। क्या होती है? गैम्बलिंग टेबल होती है, गैम्बलिंग टेबल। एक ऐसी टेबल होती है जहां पर गैम्बलिंग यानी कि जुआ खेला जाता है। क्या हो जाएगा बच्चे? गैम्बलिंग टेबल, जहां पर गैम्बल किया जाता है। चलिए अगला क्या है? सिमेट्री। सिमेट्री में डेड बॉडीज आर बरीड, है ना भाई, डेड बॉडीज आर बरीड। हम क्या करते हैं यहां पर? डेड बॉडीज को दफनाते हैं। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बरीड, जहां पर दफनाया जाता है डेड बॉडीज को, कब्रिस्तान हम इसे हिंदी में कहते हैं जी। नेक्स्ट वर्ड क्या है भाई? चैलेट। चैलेट क्या होता है? एक ऐसा घर होता है जहां पर स्विस
के फार्मर्स या फिर हम कह सकते हैं पीजेंट्स रहते हैं, है ना। स्विस पीजेंट्स का जो घर था या उसका जो पैटर्न था उसे हम चैलेट के नाम से जानते हैं, है ना, स्विस हाउस। चलिए स्विट्जरलैंड वालों का घर। अगला वर्ड देखते हैं, क्लॉक रूम। ये क्या है भाई? क्लॉक रूम में हम अपना सामान रखते हैं, है ना। लगेज किसके लिए रखा जाता है भाई? से लगेज, लगेज इज कैप्ट, अ प्लेस वेयर लगेज इज कैप्ट, है ना। यहाँ पर लगेज रखा जाता है। जनरली ये प्लेस ट्रैवलर्स के लिए यूज होता है, तो जनरली रेलवे स्टेशन पर या फिर आपको पता है जैसे कुछ मंदिरों में भी मिल जाता है, जैसे हम वैष्णो देवी जाते हैं वहां पर भी मिल जाता है। क्लॉक रूम हमेशा लगेज रखने के लिए यूज किया जाता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ थिंकिंग कि कहाँ कहाँ हो सकता है। सामान रखने की जगह को हम क्या कहते हैं? लगेज रखने की जगह को हम कहते हैं आपका क्लॉक रूम। डी कैंटर क्या होता है? ये एक प्यारी सी सजी हुई सी बॉटल होती है, एंड ऑर्नामेंटल, ध्यान रखिएगा, ऑर्नामेंटेड मिलेगी आपको, ऑर्नामेंटेड बॉटल आप इसको कह सकते हैं। ऑर्नामेंटेड बॉटल है, सजी हुई सी बॉटल है, इसमें हम कंटेन करते हैं क्या? अल्कोहलिक ड्रिंक्स या फिर ड्रिंक्स को, ठीक है, प्यारी सी सुंदर सी बॉटल। चलिए और चलते हैं आगे। डेन, डेन होता है भाई शेर का घर, तो क्या हो जाएगा भाई? गुफा, शेर की गुफा, ठीक है भाई। ये क्या है? शेर का घर है, शेर की गुफा है। अगला शब्द देखेंगे, डिस्पेंसरी, जहां पर मेडिसिन आर कंपाउंडेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या लिखा जाएगा? जहां पर मेडिसिन आर कंपाउंडेड, मेडिसिन आर कंपाउंडेड, जहां पर संभाल कर रखी जाती है और यहीं से डिस्पेंस भी होती है, यानी के डिस्ट्रीब्यूट भी यहीं से होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड, जहां से मेडिसिन को कंपाउंड करके रखा जाता है और साथ में वहीं से वो डिस्ट्रीब्यूट भी होती है। अगला शब्द देखेंगे बेटा, डॉर्मिटरी। डॉर्मिटरी क्या होता है? ये एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर बहुत सारे बेड्स होते हैं जिसमें लोग आकर सोते हैं। जनरली ये आप कह सकते हैं किसके लिए होता है? ट्रैवलर्स के लिए होता है, या फिर आप कह सकते हैं किसी भी पिलग्रिम के लिए हो सकता है, कोई भी घूमने फिरने को आया है तो वहां पर वो रुक सकता है। अ हाउस ऑफ बेड्स फॉर ट्रैवलर्स एंड पिलग्रिम्स, ठीक है भाई, बेड्स का रूम होता है। डॉवेकट या फिर डव कट इसको कह सकते हैं, ये किसके लिए होता है भाई? ये होता है पिजन्स एंड डव्स के लिए, राइट, पिजन्स एंड डव्स के लिए, पिजन्स एंड डव्स के लिए हम इसे रखते हैं। किस लिए भाई? ये एक बॉक्स की तरह होता है, ये ध्यान रखेंगे, ये किसकी तरह होता है? एक बॉक्स की तरह होता है, तो पिजन बॉक्स, डव बॉक्स आप इसे कह सकते हो। अगला चलेंगे, अगला वर्ड है डोवर। ये किसके लिए यूज किया जाता है? अरब के लोगों के लिए, है ना, अरब के जो घर है, अरब हाउस, अरब के जो लोग हैं उनके घरों के लिए हम इसको यूज करते हैं, डोवर। चलिए नेक्स्ट वर्ड था आपका ड्रे। ड्रे का मतलब होता है, ड्रे से ही याद रखना है, प्रे, है ना, प्रे मतलब आपका कोई भी शैतानी यानी हमलावर जो क्या होगा, कोई भी पक्षी होगा, है ना, प्रे बर्ड, प्रे बर्ड, है ना, प्रे बर्ड का क्या होता है? ये घर होता है। अरे भाई नहीं, ड्रे तो आपका क्या हो जाएगा? स्क्वेरल का, है ना, स्क्वेरल का घर। किसका भाई? स्क्वेरल का घर, गिलहरी का घर जो होता है बेटा उसे हम क्या कहते हैं? ड्रे कहते हैं। चलिए आगे क्या है? एरी, है ना, एरी हम किसे कहते हैं भाई? एरी हम कहते हैं हमारे प्रे बर्ड हाउस को। किसको भाई? प्रे बर्ड हाउस को, शिकारी पक्षियों के घर को, ठीक है, हाँ हाँ कोई बात नहीं। चलिए आगे चलेंगे। ग्रेनरी किसकी बात करता है? ग्रेन्स की बात करता है, जहां पर हम ग्रेन संभाल के रखते हैं, अनाज को रखने की जगह, अनाज को रखने का घर, अनाज रखने का घर, है ना, ये अनाज को रखने वाला घर है जिसमें हम एक झोपड़ी से बना के अंदर अनाज को संभाल कर रख देते हैं। चलिए जिम्नेजियम, ये हमने लास्ट क्लास में लास्ट वर्ड पढ़ा था, इसे हम जिम कहते हैं। हिंदी में हम इसे क्या कह सकते हैं भाई? हिंदी में हम इसे क्या कह सकते हैं? जिम्नेजियम को हिंदी में क्या कह सकते हैं? जल्दी से बताएंगे। देखिए पहले के टाइम पर जिम नहीं होता था, पहले के टाइम पर अखाड़ा होता था। क्या होता था बेटा? अखाड़ा होता था, कसरत जहां पर की जाती थी, तो कसरत घर को ही आज के टाइम पर हम क्या कहते हैं? अखाड़े को ही हम इंग्लिश में जिम कह देते हैं। बस यहां पर क्या हो गई है, यहां पर मशीन के साथ में एक्सरसाइज होती है, वहां पर भी कुछ कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हुआ करते थे जिनके साथ में हम अपनी एक्सरसाइज कर रहे होते थे, ठीक है। तो दिस वॉज द लास्ट वर्ड इन द लास्ट स्लाइड। आज हम बात करने वाले हैं अगले शब्दों की, तो अगला शब्द, पहला शब्द अपनी इस क्लास का है हैंगर। आप सभी ने हैंगर सिर्फ हैंग करने के लिए सुना होगा। हैंगर एक ऐसी जगह होती है जहां पर एयरक्राफ्ट को यानी कि प्लेन्स को रखा जाता है, ठीक है, प्लेन्स को रखने की जगह को हम क्या कहते हैं? हैंगर कहते हैं, हाँ बिल्कुल, व्यायाम शाला भी कह सकते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। वेयर, है ना, क्या कहेंगे आप? प्लेस, एक ऐसा स्थान वेयर, जहां पर क्या रखा गया है? एयरक्राफ्ट इज कैप्ट, जहां पे एयरक्राफ्ट रखा जाता है, अ प्लेस वेयर एयरक्राफ्ट
एयरक्राफ्ट इज केप्ट, जहां पर एयरक्राफ्ट को रखा जाता है, जहां पर हम क्या रखते हैं, एयरक्राफ्ट रखते हैं, प्लेन्स रखते हैं, एरोप्लेन्स रख सकते हैं, इसमें हम हेलीकॉप्टर भी रख सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए गाड़ी भी रखिए वैसे वहां पर फिलहाल, चलिए आगे चलेंगे। हाइव की बात करते हैं, तो हाइव क्या होता है, मधुमक्खी का छत्ता होता है। क्या होता है भाई, मधुमक्खी का छत्ता, मधुमक्खी का घर है ना, घर तो नहीं है ना, घर ही है भाई, मधुमक्खी का छत्ता, मधुमक्खी का घर है ना, क्या कहेंगे भाई, ये किसका घर है, ये है मधुमक्खी घर, मधुमक्खी को इंग्लिश कहते हैं बी, है ना, क्या हो जाएगा, बी हाउस, ये क्या है, बी का घर है मधु, अच्छा बी का जो हस्बैंड होता है, बी के हस्बैंड को हम क्या कहते हैं, बी के हस्बैंड को, मधुमक्खी का मधुमक्खा क्या होता है भाई, मधुमक्खी का मधुमक्खा, मधुमक्खी का पति देव कौन होता है, मधुमक्खी का पति देव होता है ड्रोन। लेकिन देखिए घर किसके नाम से जाना जाता है, बी के नाम से जाना जाता है, ना कि ड्रोन के नाम से, ठीक है। ड्रोन कौन होता है भाई, मधुमक्खी का पति देव होता है, कोई काम नहीं करता वो, इसलिए उसके नाम को कहीं नहीं रखा गया है ना। किस नाम से जानते हैं, मधुमक्खी के नाम से हम इसे जानते हैं। अगला शब्द देखेंगे बच्चे, हच, हच वर्ड है ना, हच आपने सुना होगा, पहले एक डॉग को भी हम हच कहते थे। हच क्या होता है भाई, हच होता है एक छोटा सा प्यारा सा रैबिट, और रैबिट को रखने का एक घर है ना, एक ऐसा घर जिसमें रैबिट को रखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, हच कहते हैं। मैम एपियरी भी तो वही होता है, एपियरी तो नहीं होता है, एपियरी जहां पे मधुमक्खी का पालन किया जाता है, मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी का छत्ता मधुमक्खी खुद भी बना सकते हैं बिना किसी पालन के भी, ठीक है भाई। क्या हो जाएगा, अ हाउस ऑफ रैबिट, अ हाउस ऑफ या अ हाउस फॉर रैबिट, ठीक है। रैबिट्स के लिए अगर हम घर बनाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे भाई, उसे हम कहेंगे हच, हच रैबिट हाउस, ठीक है भाई। चलिए अगला शब्द देखेंगे, इग्लू, इग्लू जो होता है ये पहाड़ों में कह सकते हैं बर्फीली जगह पर आपको मिलता है, और इसमें कौन रहता है भाई, इसे इस तरह से इसलिए बनाया जाता है ताकि इसमें वार्म्थ रहे, है ना। ये किसके लिए बनाया जाता है, ये बनाया जाता है एस्किमोज के लिए। मैम वोकैबुलरी में क्वेश्चंस कैसे आते हैं समझ नहीं आता, जैसे मान लीजिए इसमें आपसे पूछा गया, आपके पास ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आएगा, ठीक है, ये कहां से आएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा अ हाउस फॉर एस्किमोज, क्या लिखा गया, अ हाउस फॉर एस्किमोज, तो आप उसे क्या कहोगे, आपके पास चार ऑप्शंस होंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है हच, ठीक है, सेकंड ऑप्शन है आपके पास एपियरी, ठीक है, थर्ड ऑप्शन है आपके पास इग्लू, और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास फॉर एग्जांपल नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आएगा एंड यू हैव टू मार्क द करेक्ट आंसर, दैट इज इग्लू, तो बस फर सी इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपके एग्जाम में आपका आंसर आता है, ठीक है। चलिए इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आएगा, किसमें आएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द में। बोर्ड झिलमिला रहा है, झिलमिलाने दीजिए। क्यों मैं झिलमिला रहा हूं, कैमरा हिल रहा है क्या, ये तो मुझे भी फील हो रहा है, देखो ऊपर। चलिए एस्किमोस, एस्किमो लिख सकते हैं, एस्किमोज, एस्किमो एक ही बात है, हम एस नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा क्योंकि ये खुद से ही एक प्लूरल नाउन होता है। चलिए आगे चलेंगे, इनफॉर्मरी भाई, इनफॉर्मरी क्या होता है, इनफॉर्म भाई, फॉर्म वर्ड को अगर ध्यान से देखो, फॉर्म का मतलब होता है मजबूत, है ना, क्या भाई, मजबूत, और मजबूत के आगे इन लगा दिया, इनफॉर्म का मतलब क्या हो गया, जो मजबूत नहीं है, जो क्या है भाई, सिक है, बीमार है। और इनफॉर्मरी एरी, एरी मतलब अ प्लेस, ये हमने बहुत बार पढ़ लिया है ना, एरी मतलब अ प्लेस, तो एक ऐसी जगह जहां पर सिक लोगों को रखा जाता है, बीमार लोगों को रखा जाता है, इसे हम हॉस्पिटल भी कह सकते हैं। मैम स्क्रीन में प्रॉब्लम है, एक बार देखो, फोन ऑन करो। रुक जाओ, चेक कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, अ प्लेस वेयर, अ प्लेस टू कीप, क्या लिखेंगे, अ प्लेस टू कीप सिक एंड ओल्ड पीपल, है ना, जनरली सिक या फिर ओल्ड के लिए भी आप यूज कर सकते हो, क्योंकि बुढ़ापे में भी इंसान इनफॉर्म हो जाता है, बुढ़ापे में भी इंसान इनफॉर्म हो जाता है। सही लग रहा है देखने में, हिल तो रहा है, देखो यहां से
देखो यहाँ पे, इधर देखो। हाँ बुलाओ इसको एक बार नवीन को। चलिए, अ प्लेस टू कीप सिक और ओल्ड पर्सन्स। ठीक है भाई, सिक और ओल्ड पर्सन्स। हाँ देख लिया, हल्का सा वाइब्रेशन सी लग रही है स्क्रीन पर, देख लेंगे। ठीक है, इसे हम हॉस्पिटल भी कह सकते हैं। ये हॉस्पिटल का सिनोनिम होता है। सिनोनिम है किसका भाई? ये सिनोनिम है हॉस्पिटल का। किसका? हॉस्पिटल का। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड भाई क्या है आपका? इंसेक्टेरियम। इंसेक्टेरियम क्या होगा भाई? जहां पर अलग अलग टाइप के इंसेक्ट्स को रखा जाएगा, है ना, जहां पर अलग अलग टाइप के इंसेक्ट्स को रखा जाएगा। ये इंसेक्ट्स को रखने के लिए हमारे पास दो तरह की बातें होती है, रखा भी जाएगा और इनका पालन भी किया जाएगा, यानी कि ब्रीडिंग भी की जाएगी। ठीक है, अ प्लेस फॉर कीपिंग रखा जाएगा। ठीक है, कीपिंग एंड एंड वॉट एंड ब्रीडिंग, है ना, ब्रीडिंग किसको भाई? इंसेक्ट्स को। अ प्लेस फॉर कीपिंग एंड ब्रीडिंग दी इंसेक्ट्स। ठीक है, इंसेक्ट्स को यहां पर अलग अलग टाइप के इंसेक्ट्स होंगे, इसलिए इंसेक्ट्स लिखा है, अलग अलग टाइप के इंसेक्ट्स होंगे। मैम इतने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, पढ़ाते रहो जी आप। जी धन्यवाद, मैं भी यही चाहती हूँ। ये तो बहुत ही छोटी सी चीज थी, इतना ज्यादा इसके ऊपर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए था। ठीक है, जहां पर इंसेक्ट्स को रखा जाता है, ठीक है, और उनका पालन किया जाता है। चलिए, कैनल भाई, कैनल क्या होता है? डॉग के लिए घर, है ना, किसके लिए? डॉग के लिए घर। अ हाउस फॉर अ डॉग। अ हाउस फॉर, एक ऐसा घर जो हमने एक डॉग के लिए बनाया है। अ हाउस फॉर अ डॉग इज कॉल्ड कैनल। क्या पढ़ते हैं इसे? कैनल पढ़ते हैं। कुत्ते का भी घर है, समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? अ हाउस फॉर अ डॉग, कुत्ते के लिए घर। चलिए आगे लिखा है भाई, मिनेगरी। ये एक ऐसी जगह होती है जहां पर बर्ड्स और एनिमल्स को रखा जाता है। ये आप जू की तरह इसे कंसीडर कर सकते हो, लेकिन जू में और इसमें छोटा सा फर्क है। इसमें छोटा सा एक फर्क है भाई, जो जू होता है उसमें बच्चे भी जा सकते हैं, पर ऐसी जगह पर जनरली बच्चों को, है ना, सिर्फ म्यूजियम की तरह ले जाया जाता है, मतलब कि दूर रखा जाता है। फिलहाल के लिए आप इसको जू का सिनोनिम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कि ये क्या है? सिनोनिम है जू के लिए। ठीक है जी, जू के लिए क्या कहेंगे? अ प्लेस वेयर वेयर, जहां पर बर्ड्स एंड एनिमल्स आर केप्ट। बर्ड्स एंड एनिमल्स आर केप्ट। अब ये जो रखे जाएंगे ना, ये केजेस में रखे जाएंगे। किसमें रखे जाएंगे? पिंजरों में रखे जाएंगे। केजेस पिंजरों में रखे जाएंगे। ठीक है, किसमें रखे जाएंगे? पिंजरों में रखे जाएंगे। चलो भैया, मैथ्स की क्लास बिल्कुल चल रही है, ठीक है, और क्लास का टाइम आपका 10 बजे का, मतलब इस वाली क्लास के बाद में वो क्लास होती है, 10 बजे का टाइम होता है आपकी क्लास का। चलिए, मिंट क्या होता है बेटा? मिंट वो नहीं, पुदीने को भी मिंट कहते हैं, ये वो वाली मिंट नहीं है, है ना, पेपर मिंट नहीं भाई, वो मिंट भी नहीं है। मिंट का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर हम बात करते हैं कॉइन्स बनाने की, है ना, जहां पर कॉइन्स बनाई जाती है। टकसाल, बहुत बढ़िया, ये हिंदी का वर्ड मुझे याद आ गया, है ना। ये क्या है? टकसाल है, जहां पर कॉइन्स एंड मेडल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, अ प्लेस, एक ऐसा स्थान, अ प्लेस वेयर वेयर कॉइन्स एंड मेडल्स आर फॉर्म्ड, बनाए जाते हैं। ठीक है, जहां पर कॉइन्स और मेडल्स बनाने का काम होता है, इसे हम मिंट कहते हैं। नोट जहां छपते हैं उसे प्रिंट कहते हैं। ठीक है, सिक्के बनाने की जगह। जी विकास जी, बताइए। चलिए अगला शब्द देखेंगे, मोनेस्ट्री भाई, है ना। हमारी दिल्ली में कश्मीरी गेट के पास भी एक मोनेस्ट्री मार्केट है ना, वहां पर एक टेम्पल भी है। तो मोनेस्ट्री होता क्या है भाई? मोनेस्ट्री होता है जितने भी हमारे साधु संत होते हैं, मॉन्क्स एंड प्रीस्ट हम इन्हें कह सकते हैं। मॉन्क्स एंड प्रीस्ट हम इन्हें कह सकते हैं। साधु और संत, पुजारियों की जो रहने की जगह होती है, उसे हम मोनेस्ट्री कहते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? अ प्लेस फॉर मॉन्क्स एंड प्रीस्ट, जहां पर साधु संत रहते हैं। ठीक है, मोनेस्ट्री। ठीक है, क्या कहा जाएगा इसे? मोनेस्ट्री कहा जाएगा। जनरली मोनेस्ट्री मॉन्क्स जो है हमारे देश में,
है ना, हमारे खुद के देश के कम दूसरे देशों के ज्यादा है, जैसे कि तिब्बत के ज्यादा है ना, नेपाल के ज्यादा है। तो ये सब लोग भी मॉनेस्ट्री एरिया जो है वहां का, जहां पे मॉन्क्स रहते हैं, वहां पर रहते, मतलब रह सकते हैं। चलिए अगला वर्ड क्या है भाई, देखिए दो वर्ड्स हैं मैं जिसमें आपको थोड़ा सा रिलेट करना चाहूंगी। पहला वर्ड है मॉर्च और दूसरा वर्ड है मॉर्चरी। ध्यान दीजिएगा, पहला वर्ड है मॉर्च और दूसरा वर्ड है मॉर्चरी, दोनों में क्या फर्क है ना। बहुत बार ये दोनों वर्ड आपके सामने दिखाई देंगे। मॉर्चरी में कुछ भी नहीं किया जाता है, डेड बॉडीज को सिर्फ रखा जाता है जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, कि जो भी इस मृत व्यक्ति के पहचान वाला होगा वो उसे आगे यहां से पहचान कर ले जाएगा, ठीक है जी। जबकि जब हम बात करते हैं मॉर्चरी की, तो यहां पर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए रखा जाता है। बात समझ में आ गई, इसमें आइडेंटिफिकेशन के लिए नहीं रखा जाता, इसमें बॉडी को, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए रखा जाता है। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग प्लेसेस हैं, ठीक है। चलिए, आप प्लेस, एक ऐसा स्थान, आप प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर कैप्ट, जहां पर डेड बॉडीज रखी जाती हैं, डेड बॉडीज आर कैप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, किसके लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, कैप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के लिए यहां पर रखा जाता है। एक काइंड ऑफ फ्रीजर होता है ना, चलिए, ताकि बॉडी जो है खराब ना हो। जबकि यहां देखिए कोई फ्रीजर नहीं है, ये पोस्टमार्टम के लिए है, ठीक है। आप प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, डेड बॉडीज आर केप्ट, जहां पे डेड बॉडीज को रखा जाता है, डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर, किसके लिए भाई, पोस्टमार्टम, किसके लिए, पोस्टमार्टम के लिए रखा जाता है, पोस्टमार्टम के लिए रखा जाता है, ठीक है, पोस्टमार्टम के लिए रखा जाता है। चलिए अगला शब्द देखेंगे भाई, इसे हम ऑर्कर्ड पढ़ते हैं। ऑर्कर्ड का मतलब होता है जहां पर फ्रूट ट्रीज को जो है उगाया जाता है, ठीक है, उनकी देखभाल की जाती है। ऑर्कर्ड का मतलब क्या होता है भाई, ऑर्कर्ड का मतलब होता है, आप इसे ऑर्चर्ड पढ़ना चाहे तो ऑर्चर्ड भी पढ़ सकते हैं, जो आपका मन करे, ठीक है। क्या है ये, आप प्लेस जहां पर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, है ना, आप प्लेस वेयर, एक ऐसा स्थान जहां पर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन आर ग्रोन, जहां पर फ्रूट ट्रीज को उगाया जाता है, फ्रूट ट्रीज को उगाया जाता है जी। थैंक यू नवाब जी। चलिए अगला वर्ड देखेंगे प्यारे बच्चों, ऑर्फनेज। ऑर्फनेज किसके लिए होगा, ऑर्फन्स के लिए होगा, यानी के अनाथ आलय, किसकी बात कर रहे हैं, अनाथ आलय की बात कर रहे हैं, है ना, अनाथ बच्चों की बात कर रहे हैं, अनाथ आश्रम भी आप कह सकते हैं, अनाथ आलय भी कह सकते हैं, अनाथ आलय, है ना। अनाथ आलय क्या होता है, जहां पर अनाथ बच्चे रहते हैं, है ना। अ प्लेस फॉर क्या भाई, ऑर्फन किड्स, है ना, ऑर्फन किड्स ठीक है, ऑर्फन्स भी आप कह सकते हो, अ प्लेस फॉर ऑर्फन्स, अनाथ आश्रम या फिर अनाथ आलय, ठीक है। अगला शब्द देखेंगे भाई, पेन और बायर, ये वर्ड यूज किए जाते हैं काउस के लिए, इसे हम गौशाला कहते हैं हिंदी में, ठीक है, गौशाला, ठीक है, गौशाला, दो मात्रा लगाते हैं क्या, ठीक लिखा है क्या, एक ही मात्रा लगाते हैं ना, हाँ, गौशाला भाई, गाय रखने की जगह, अ प्लेस वेयर काउज आर केप्ट, अ प्लेस, एक ऐसा स्थान जहां पर गाय को रखा जाता है, अ प्लेस वेयर काउज आर केप्ट एंड ब्रीड, है ना, जहां पर इनको रखा जाता है, ठीक है। चलिए दो लगती है क्या, ठीक से बताओ, गौ माता तो ठीक है, गौ माता को रखने की जगह, गौशाला डबल लगती है क्या भाई, तुम देख लेना, मैं लगा देती हूँ, है ना, कुछ एक्स्ट्रा ही दे रहे हैं, कम तो नहीं कर रहे, ठीक है, दो लगती है, हाँ मुझे ऐसा लग रहा था दो लगती है, एक लगी, आप बोलोगे एक लगती है तो मैं एक लगा दूंगी, आप कहोगे कि दो लगती है तो मैं दो लगा दूंगी कोई आपत्ति नहीं है। चलिए अगला वर्ड देखेंगे, सैनेटोरियम। सैनेटोरियम एक ऐसी जगह होती है जहां पर, ये भी आप कह सकते हो काइंड ऑफ हॉस्पिटल ही होता है ना, यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं बच्चे बैठे हुए हैं सब, है ना, बेड के ऊपर बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये बीमार है,
बीमार बच्चों को रिकवर करने के लिए जहां पर रखा जाता है। देखिए, बच्चों के लिए सिर्फ हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट नहीं, उनको माहौल भी चाहिए होता है जिसमें वो ठीक हो पाए, है ना। तो ये क्या है, अ प्लेस, एक ऐसा स्थान है वेयर, जहां पर सिक पीपल, या फिर हम कह सकते हैं सिक बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है, तो मैं सिक पर्सन्स लिख रही हूं, सिक पर्सन्स आर केप्ट, है ना, जहां पर इनको रखा जाता है टू गेट अर्ली रिकवरी, है ना, अर्ली रिकवरी के लिए, ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए, अर्ली रिकवरी, है ना, ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। ऐसी जगह हॉस्पिटल से थोड़ी सी अलग होती है, यहां पर माहौल अच्छा दिया जाता है, ठीक है, यहां पर माहौल जो है वो अच्छा दिया जाता है। कलरी का मतलब क्या होता है, कलरी में आप देख रहे हैं कि एक ऐसी प्लेस दिखाई दे रही है जहां खाना बन नहीं रहा है, किचन जैसा तो लग रहा है लेकिन यहाँ खाना नहीं बन रहा है, यहाँ पर जो है पॉट्स हो गए, प्लेट्स हो गए, डिशेस हो गई, ये रखे जाते हैं और धोए जाते हैं, ठीक है भाई, धोने की जगह है ये, ठीक है, ये प्लेटों का धोबी घाट है। चलिए भाई, क्या कहेंगे आप, प्लेस, एक ऐसा स्थान वेयर, जहां पर प्लेट्स, है ना, जहां पर प्लेट्स, डिशेस, राइट, और भी कोई, आपके पॉट्स हो सकते हैं, आपके यूटेंसिल्स हो सकते हैं, बर्तन हो सकते हैं, है ना, यूटेंसिल्स हो सकते हैं, आपकी क्रॉकरी हो सकते हैं, जहां पर इन सभी को वॉश किया जाता है, आर वॉश्ड, ठीक है भाई, जहां पर इन्हें धोया जाता है, आर वॉश्ड, और वॉश करने के बाद रखा भी जाता है, वॉश्ड एंड केप्ट, आप कह सकते हैं वॉश्ड एंड केप्ट, जहां पर धोकर इनको रखा जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, कलरी कहते हैं। चलिए अगला शब्द देखेंगे भाई, शीट, या फिर हम इसके स्कैबर्ड भी कहते हैं। आपने सुना होगा कि एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, है ना, पर देखो तुम भी तलवार से कम नहीं, है ना, और मैं भी तलवार से कम नहीं, और हम दोनों एक ही क्लास में दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे जी। शीत और स्कैबर्ड क्या होता है, शीत और स्कैबर्ड होता है मयान, क्या होता है मयान, है ना, जिसमें हम क्या रखते हैं, जिसमें हम चाकू, या फिर आप कह सकते हैं क्या रखते हैं बेटा, हमारी जो तलवारें वगैरह है ये रखते हैं जी। रविंद्र जी बताइए, है ना, क्या हो जाएगा, है ना, आप क्या कह सकते हैं, आ केस, ये क्या है, केस है, केस का मतलब होता है रखने की जगह, ठीक है, आ केस, टू कीप स्वॉर्ड और ब्लेड्स, है ना, इसमें हम क्या रखेंगे, या तो तलवारें रखेंगे या फिर ब्लेड्स वाली चीजें रखते हैं, ताकि ध्यान से रखें और किसी को इससे नुकसान ना हो जाए, ठीक है, किसी को इससे नुकसान ना हो जाए। ये लास्ट वर्ड है आज की क्लास का, विगमिन एंड टेपी, ये किसके लिए यूज किया जाता है भाई, ये हम किसके लिए यूज करते हैं, घोड़ों के लिए, है ना, इसे आप स्टेबल भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, स्टेबल भी कह सकते हैं, ये क्या है, अस्तबल है, है ना, क्या है, अस्तबल है। हाउस, है ना, अ हाउस, या फिर आप कह सकते हैं अ प्लेस, जहां पर वेयर हॉर्सेस आर केप्ट, ठीक है, जहां पर हॉर्सेस को रखा जाता है, ठीक है, जहां पे हॉर्सेस को रखा जाता है। बहुत बार ये हम वर्ड अमेरिकन इंडियंस के लिए भी, ये दोनों वर्ड्स हम अमेरिकन इंडियंस के लिए भी सुनते हैं, ठीक है, वहां पर ऐसा कहा गया कि जो लोग बाहर जाके, इंडिया के लोग बाहर जाके रह रहे थे, है ना, उन्हें कहा गया कि इन्हें जो है घोड़ों के अस्तबल में रखा जाए, तो जिस उस स्थान को काफी उन्होंने ठीक किया गया, कुछ भी किया गया, ठीक है, तो बाहर देश में जब हमारे साथ इस तरह का सलूक होता था तो हमें जिस जगह पर रखते थे वो अस्तबल जैसा ही दिखाई देता था, उसे हम अमेरिकन इंडियंस, यानी कि अमेरिका में रह रहे इंडियंस के लिए वो जगह बनाई जाती थी, वहां पे भी ये वर्ड्स विगमिन एंड टेपी यूज किया जाता था, ठीक है। चलिए तो ये था बेटा आज की क्लास का लास्ट वर्ड, तो क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट क्लास ग्रामर की क्लास है आपकी, एडजेक्टिव्स की सेकंड क्लास, उसमें भी आपको जुड़ना है। कल शाम को मैंने जो क्लास रखी थी नरेशन की, उसमें काफी बच्चे थे, है ना, आप में से भी काफी बच्चे थे, मैं चाहती हूँ कि उस क्लास को आप देखो, आपको एक स्टैंडर्ड पता लगेगा, भले ही आप आंसर नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, पर आप क्लास देखो, एटलीस्ट आप क्लास देखोगे तो आपको एग्जाम का स्टैंडर्ड पता लगेगा, आपको पता लगेगा कितने बच्चे सही आंसर मार्क कर पा रहे हैं, है ना, एक आपको माहौल का पता लग जाएगा। जी भाई आरू बता दो क्या सुनाना है, एक बार हैंगर वाला चेक करना, हैंगर होता है जहां पर हम क्या रखते हैं एयरक्राफ्ट रखते हैं,
हाँ ठीक है, जहां पे हम प्लेन तो रखा है, ये देखो प्लेन ही तो रखा है, या प्लेन नहीं दिख रहा है तुम्हें? तो देखो मैं दिखाती हूँ तुम्हें प्लेन क्या है, ये प्लेन है ठीक है, जहां पे प्लेन्स रखे जाते हैं, ठीक है, जहां पे प्लेन्स रखे जाते हैं ठीक है। वो हैंगर इज अ प्लेस वेयर प्लेन्स एयरक्राफ्ट एंड एरोप्लेन्स आर केप्ट, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर। अच्छा हैंगर होगा, ओके, स्पेलिंग की आप बात कर रहे हैं, एक सेकेंड को, अब मुझे समझ में आया कि आप क्या कहना चाहते हैं। अच्छा ऐसा है क्या, स्पेलिंग में एरर है यहाँ पे, इसको ए कर लेंगे, एक सेकेंड। हाँ भाई यहाँ पे ए होना चाहिए, ठीक है, हैंगर, क्योंकि हैंगर जो होता है वो तो टांगने वाली कोई चीज़ होती है, हैंगर तो ये वाली चीज़ होती है, इस तरह से होती थी हमारे पास घर में कुछ टांगने के लिए, है ना, अलमीरा के अंदर, इसे हम हैंगर कहते हैं, ये आपका हैंगर है, यहाँ पर ए होगा, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, इसे हम हैंगर कर लेंगे, स्पेलिंग ठीक कर लेंगे, ठीक है। चलिए चलो इसको ठीक ही कर देते हैं, ताकि आपके पास पीडीएफ में गलत ना जाए, इसकी स्पेलिंग ठीक कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्या स्पेलिंग है, हैंगर्स की स्पेलिंग है HANGAR, ठीक है। चलिए तो दिस वॉज द लास्ट वर्ड फॉर द डे, और भाई मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल वाली क्लास में, सभी लोग अपनी क्लास से जुड़ जाएंगे जब हमारी ग्रामर की क्लास होगी दोपहर 1 बजे, और आज जो हम 7 बजे टॉपिक करने वाले हैं वो है आपका वॉइस का टॉपिक, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल, बाय।